चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ ट्रेन ए, ठीक है, रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड अनदर ट्रेन बी ऑफ द सेम मास रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द सेम स्पीड अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर के अलोंग क्या? ए प्रेसेस द ट्रैक विद द फोर्स ऑफ एफ वन, बी प्रेसेस द ट्रैक विद विद अ फोर्स ऑफ एफ टू। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन तुमको बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ये पोल है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये वेस्ट है, ईस्ट है। तो अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरफ घूम रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ई मान लेते हैं, ठीक है। और एक ट्रेन ईस्ट से वेस्ट जा रही, ए वाली ईस्ट से वेस्ट जा रही है, ये ट्रेन है ए, ये इधर जा रही है, और ट्रेन बी है वेस्ट से ईस्ट जा रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखो बी जो है वेस्ट से ईस्ट जा रही है और ए ईस्ट से वेस्ट जा रही है। तो जनरली हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अगर ये एंगल थीटा है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसकी वैल्यू है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर रेडियस इंटू कॉस थीटा, ये होती है। और अगर इक्वेटर पे अगर आप आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे, तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहाँ पर? एट इक्वेटर, एट इक्वेटर, ये पॉइंट याद रखना। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी ये आर, और ये नॉर्मल रिएक्शन को मैं एन से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर रेडियस हमने यूज कर लिया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन को एन से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, जो फोर्स लगेगा। और ये हो जाएगा आपका, इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये होगा, करेक्ट है। अब पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, पहली सिचुएशन में ए के केस में ओमेगा ए की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा ए की वैल्यू होगी ओमेगा ई, जो नेट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नेट एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ ए, ठीक है, फॉर ट्रेन ए क्या हो जाएगा? ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा ई माइनस ओमेगा ए, ठीक है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब ट्रेन बी की बात करें, ट्रेन बी की क्या होगी? ओमेगा की वैल्यू ओमेगा ई प्लस ओमेगा बी, दोनों की जुड़ जाएगी, बी के केस में जुड़ जाएगी, क्योंकि अर्थ बी सी डायरेक्शन में घूम रही है तो दोनों जुड़ जाएगी, जबकि ए के केस में उल्टे डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये डिफरेंस आएगा। तो अब ये वैल्यू यहाँ अगर रखोगे रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ए के केस में, जो कि एफ वन हम बोल रहे हैं, वो वैल्यू है एम जी माइनस एम ओमेगा ई माइनस ओमेगा इंटू आर, जबकि एन बी कितना हो रहा है? एफ, जिसको एफ टू कह रहे हैं, एम जी माइनस एम इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा ई प्लस ओमेगा इंटू आर। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू ये है जो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो बड़ी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये छोटा टर्म हो जाएगा, जबकि इसमें छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये बड़ा टर्म हो जाएगा। तो इसमें एम जी दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एफ वन की वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, और एफ टू की वैल्यू छोटी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये पॉइंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है लेकिन काम का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।